स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे AWC हेल्पलाइन में। अगर आप लोगों ने अभी तक ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही सर्च करेंगे AWC हेल्पलाइन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको सारे आंगनबाड़ी से संबंधित PDF एंड इमेज जो भी हैं, आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको उस पर PDF मिल जाता है और आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक कि सुधा दूध के बारे में। आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि हर 3 या 2 महीने के अंदर आपको सुधा दूध प्रोवाइड किया जाता है लाभार्थी को वितरण करने के लिए। तो वही सुधा दूध आपको जिला में प्रोवाइड हो चुका है दोस्तों, और किस डेट को मिलेगा हम बता देते हैं दोस्तों, और किस डेट को मिलेगा किस सेक्टर को मिलेगा, इसके सेक्टर बाय सेक्टर बांटा होता है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम दिखलाते हैं आपको PDF। चलिए, जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करते हैं सी हेल्पलाइन, तो देखिए हमारा ही चैनल आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये वाला चैनल मेरा ही है जिसमें ये इमेज लगा हुआ AWC हेल्पलाइन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए जैसे इसमें अभी तक ने 2 मेंबर ज्वाइन हुए, ये आज से 2 दिन पहले हमने इसे बनाया है दोस्तों। और देखिए इसमें आपको PDF भेज दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्क्रीन में लिखा गया है PDF भेज दिया गया है। आपको ये PDF को देख लेना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ये कार्यालय विकास परियोजना लखीसराय के द्वारा आया है, पत्रांक 6057, दिनांक 3/8/2022 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्रशासक दिखाया गया है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी लखीसराय एंड प्रशासक श्री शशि शर्मा जो कि परियोजना सहायक हैं, और श्रीमती पूजा कुमारी जो कि प्रखंड समन्वयक हैं, एंड श्री पवन कुमार अनुसेवक यानी कि वो प्यून हैं। विषय में कहा गया है सुधा दूध वितरण के संबंध में, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय में माह अगस्त, जो महीना चल रहा है हमारा अगस्त 2022 में सुधा दूध वितरण हेतु सुधा दूध उपलब्ध कराना गया है। ठीक है दोस्तों, आपके कार्यालय में सुधा दूध को वितरण के लिए दूध कराया गया है। सुधा दूध वितरण प्रति लाभार्थी प्रति माह 48 दिन में 48 के अनुसार ये वास्तविक लाभों के आलोक में वितरण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वितरण किया जाता है। ठीक है, वितरण करने हेतु माइक्रो प्लान निम्न है, जो भी वितरण है करने हेतु जो माइक्रो प्लान बनाया गया है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है माइक्रो प्लान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि माइक्रो प्लान में बताया गया है क्रमांक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह करके 9 तक बनाया गया है माइक्रो प्लान, जिसमें कि सेक्टर बाय सेक्टर है। सेक्टर 1, 2, 3 सेक्टर को डेट यहाँ पर दे दिया गया है, किस डेट को है आपके भी, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं या दूसरे प्रोग्राम से हैं आपको भी इस तरह का नोटिफिकेशन मिल गया होगा या PDF आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप हमारे PDF को भी देख सकते हैं। यह हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, लखीसराय का परियोजना का है, आपका परियोजना अलग होगा तो उस परियोजना के अनुसार आपका सेक्टर बाय सेक्टर बांटा गया होगा किस डेट को दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए आपको दिखा देते हैं, दिनांक 4/8/2022 को सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 3 को दिया जाएगा। उसके बाद सेक्टर 4, सेक्टर 5, 6 ये तीनों को 5/8 को दिया जाएगा, और सेक्टर 7, 8, 9 को 6/8/2022 को दिया जाएगा, ये वितरण किया जाएगा। ये वितरणकर्ता का नाम है शशि शर्मा, जैसे कि यहाँ पर ही आप देख लिए होंगे शशि शर्मा कौन है, एंड यहाँ पर देखिए श्री शर्मा कौन है, श्री शर्मा परियोजना सहायक हैं एंड श्रीमती पूजा कुमारी से आप ले सकते हैं, प्रखंड समन्वयक हैं एंड श्री पवन कुमार जो कि अनुसेवक हैं वहाँ का। ठीक है, कार्यालय का अनुसेवक है, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। नीचे में ऊपरी विषय कहा गया है पूर्व माह में सुधा दूध वितरण किया गया था जिनका पंजीयन सही से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है पुनः स्थापित करने के लिए
हुए निर्देश दिया जाता है कि सुधा दूध चूर्ण वितरण लाभार्थियों के अनुसार वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। तो वही था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक, सुधा दूध का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों को सुधा दूध मिलेगा जो कि लाभार्थियों में वितरण होता है या बच्चों को पिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करें, जिससे कि आपके स्टेट या आपके क्षेत्र का PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।